नमस्कार, मैं हूँ कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट मलाई केक, जिसे खाने में केक के साथ साथ डेजर्ट का भी मज़ा आएगा। और इसे बनाने में ना तो हमें क्रीम की, कंडेंस मिल्क की, ना ही ओवन की, ना ही मिल्क पाउडर की और ना ही एग की, इनकी हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी हम इस केक को बहुत ही सॉफ्ट और आसान तरीके से बनाएंगे। इस सुपर सॉफ्ट मलाई केक में रसमलाई का भी टेस्ट आता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए इसे ज़रूर से ट्राई करें। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले केक का बेस तैयार करेंगे। उसके लेंगे एक बड़ा बाउल और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 1/3 कप। ऑयल इसमें कोई भी फ्लेवर का नहीं होना चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर मूंगफली का तेल। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप ही फ्रेश दही। दही भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और ये 1/2 कप लिए है मैंने पिसी हुई चीनी। चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। थोड़ी देर फेंटेंगे जिससे ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। आपके पास अगर मेजरिंग कप नहीं हो तो कोई भी एक कटोरी का नाप बना लीजिए, उसी के अनुसार आपको सभी चीज़ें लेनी है। अब इसमें डालेंगे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए रखेंगे इसके ऊपर एक स्टेनर और उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। केक बनाने में मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखें। सभी चीज़ों को छान लेंगे। हम इन सभी चीज़ों को विस्कर की हेल्प से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, इसे बहुत तेज़ तेज नहीं चलाएंगे। अब लेंगे हम 1/2 कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध और दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। साथ ही मिक्स करते जाएंगे। दूध को एक संग नहीं डालेंगे, जिससे क्या है इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। साथ ही मिक्स करते जाएंगे। लीजिए, केक का बैटर तैयार हो गया है। देखिए आप, ये बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्लो होना चाहिए, ना तो ये ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा ये पतला है। केक को आज हम बेक नहीं करेंगे, इसे हम स्टीम में पकाएंगे। उसके लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी और पानी के ऊपर रखेंगे एक कोई भी इस तरह का स्टैंड। स्टीम में केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसे ढक कर पानी को बॉईल होने देंगे। इतनी देर में हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। कोई भी इस तरह का टिन, जो भी आपके पास हो, आप उसी में बना सकते हैं। इस टिन को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, जिससे कि केक चिपकेगा नहीं। इसके ऊपर हमें कोई भी बटर पेपर वगैरह यूज़ नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे केक का बैटर। पूरा बैटर डालने के बाद केक टिन को थोड़ा सा टैप करेंगे, जिससे इसमें कोई एयर वगैरह होगी वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें केक टिन को संभाल के रख देंगे और इसके ऊपर लिड लगा देंगे। आपको इस तरह की कोई लिड नहीं हो तो आप कोई भी इस तरह की थाली रख दीजिए, जिससे कि उसकी स्टीम बाहर नहीं जाए। और इसे अभी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर करीबन 25 से 30 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। केक जितनी देर में स्टीम होगा, उतनी ही देर में हम केक के लिए रबड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे ये 1 कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। कढ़ाई को पहले धो लिया है पानी से, जिससे कि दूध इसमें लगेगा नहीं। फ्लेम रखेंगे यहाँ पर लो टू मीडियम। दूध को बॉईल होने देंगे। बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आ गया है। अब यहाँ पर करीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दूध को बॉईल होने देंगे, जिससे दूध अच्छे से थिक हो जाएगा। बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। साथ ही इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। चीनी ली है मैंने, ये 3 से 4 बड़े चम्मच। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 15 से 20 केसर के धागे, जिन्हें कि 2 चम्मच दूध में पहले ही भिगो दिया था। केसर डालना इसमें ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं हो तो आप इसमें रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब दूध को बॉयल होने देंगे। पैन के साइड से मलाई को निकाल कर दूध में ही मिक्स करते जाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध को इतना बॉईल करेंगे कि दूध हमारा 40% रह जाएगा। देखिए आप,
20 से 25 मिनट के बाद दूध की रबड़ी तैयार हो गई है। दूध काफ़ी थिक हो गया है, हमें इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि इसे अभी हम केक के ऊपर डालेंगे, केक भी इसको एब्जॉर्ब करेगा। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। अब हम केक को चेक करेंगे, केक को भी यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, अब इसे चेक करेंगे। बीच में कोई भी सिलाई या नाइफ फोक किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप, ये बिल्कुल सूखी निकली है, एक जगह से और चेक कर लेंगे, बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी केक इसमें चिपक नहीं रहा है, केक अच्छे से स्टीम हुआ है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे संभाल कर बाहर निकाल लेंगे, नॉर्मल होने तक इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसके हम प्रिक करेंगे। केक अब रूम टेम्परेचर पर आ गया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, देखिए एकदम सॉफ्ट बना है केक और इसने साइड्स भी अपनी छोड़ दी हैं। अब इसे फोक से प्रिक करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। आप देखिए, प्रिक करने से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। केक को नीचे तक प्रिक करना है जिससे कि इसमें रबड़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। केक प्रिक हो गया है, अब इसके ऊपर डालेंगे रबड़ी। केक के ऊपर हम आधी रबड़ी डालेंगे और आधी को रहने देंगे, आधी जब हम केक को सर्व करेंगे उसके बाद उसमें ऊपर से डालेंगे जिससे ये बिल्कुल रसमलाई सा लगेगा। अब केक को डेकोरेट करेंगे, इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए पिस्ते, आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के कोई भी इसमें डाल सकते हैं। अब इस केक को हमें फ्रिज में रखना है 1.5 से 2 घंटे के लिए जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। 2 घंटे के बाद केक को हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, अब इसे कट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बना है। इस सुपर सॉफ्ट मलाई केक को बनाने में सिर्फ 35 से 40 मिनट का समय लगता है। अब केक के पीस को बाहर निकालेंगे, देखिए अब आ गया ना मुँह में पानी। अब इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे और इसके ऊपर से डालेंगे हम रबड़ी। इस केक में आपको डेजर्ट का भी मज़ा आने वाला है, थोड़े से ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट। लीजिए, हमारा सुपर सॉफ्ट मलाई केक तैयार हो गया है, देखिए कट करने में भी कितना सॉफ्ट है। अब इसे आप बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की सुपर सॉफ्ट मलाई केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।